जहां पे जो चीज हमें लगा कि नहीं, ये आइडेंटिफाई करके हमें आगे इसको बढ़ाना है, इसको हमें रोशन करना है अपने पटल पे, तो वो चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो या कोई वरिष्ठ 70-80 साल के लोग क्यों ना हो, हमने उनको सामने लाया और इस कोशिश में हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन्होंने हमारा खूब साथ दिया और स्नेह दिया। तो भूपेन जी कह रहे थे कि मैं कहां कहां से ढूंढ के लाती हूँ। इस बच्चे का इंटरव्यू सुना था रेड एफएम में मैंने, और फिर मैंने इसके बारे में ढूंढाई शुरू करी गूगल में। ऐसे ही इनको मैंने टेट स्पीक्स में सुना था, इनको सुनीता कृष्णन जी को, और वहां से फिर मैंने इनकी ढूंढाई शुरू करी। तो ऐसे लोगों का मन के अंदर होता है कि जो कि इतना सब काम कर रहे हैं, वो क्यों ना हमारे पटल पर आए और क्यों ना हम उनसे रूबरू होकर के हम बात करें, शायद कुछ ऐसी बातें निकाल पाए जिससे कि हम कुछ सीख पाए, हमारे श्रोता हमारे सदस्य कुछ सीख पाए। युगानुभव शीर्ष सम्मान, हम लोगों ने एक नया सम्मान हमारी तरफ से, युगानुभव की तरफ से हम लोगों ने अपने ऐसे सदस्यों के लिए, वैसे तो बहुत सारे वरिष्ठ अच्छे साहित्यकार हैं पूरी दुनिया में, लेकिन जो लोग युवानुभूत के साथ बहुत सुंदर तरीके से पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को और जो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं उनको हम लोग युवानुभूत शीर्ष सम्मान देते हैं। तो हम इनको दे चुके हैं, माननीय सरोज कौशिक जी हिंदी के उपन्यासकार हैं कोलकाता की, इनको मिल चुका है। इंदु मेहता जी अंग्रेजी की कवित्री हैं, वर्जीनिया में रहती हैं, इनको युवानुभूत शीर्ष सम्मान मिल चुका है। डॉक्टर कृष्ण कुमार जेदल जी को युगानुभूत शीर्ष सम्मान मिल चुका है। माननीय डॉक्टर जैसी मारिया जी को हमारे बीच में उपस्थित हैं, इनको युगानुभूत शीर्ष सम्मान मिल चुका है। और रमेश रमन जी को आज यहाँ दिया जाना था युगानुभूत शीर्ष सम्मान, वो नहीं आया और उनकी जगह उनकी तरफ से आदेश हुआ कि मेरा शीर्ष सम्मान रविंद्र जी को दे दिया जाए और वो मुझे देने हरिद्वार आएंगे तो उनको मिलेगा। युगानुभूत फेसबुक के शीर्ष योगदानकर्ता जिसमें से 2 उपस्थित हैं आज हमारे सभा में, अर्चना शरण जी 2020 में हमारे, इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो युगानुभूत फेसबुक भी अपनी एक अलग हमेशा एक एनालिसिस निकाल के देता है कि कौन हमारे टॉप परफॉर्मर है और टॉप हमारे कंट्रीब्यूटर है। इसका मतलब ये है कि कौन लोग हमारे सारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, सब लोगों को कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, इन्वॉल्व हैं हमारे इसमें पूरे। तो अर्चना शरण जी बिल्कुल टॉप परफॉर्मर रही साल 2021 की। बहुत धन्यवाद युगानुभूत की तरफ से। पूनम शर्मा जी 21-22 की रही और अंजुना शर्मा जी ये 22-23 की हमारी रही। एक बीना कुमार जी हैं जो कि वर्जीनिया में रहती हैं और वो कंटिन्यू पिछले 3 साल से टॉप परफॉर्मर पे, चाहे वो टॉप पे नहीं रही लेकिन 5 टॉप परफॉर्मर की लिस्ट में हमेशा उनका नाम रहता है। और मैं आप लोगों को वीडियो दिखा सकती तो जरूर दिखाती हूँ। बोलती है कि युगानुभूत ने मुझे अंधेरे से बाहर निकाल दिया। तो ये वो बोलती है और जब वो बोलती है तो हमारी आंखों में पानी आ जाता है। और जब इसके पहले वाली स्लाइड में इंदु मेहता जी का जब हमें साक्षात्कार किया तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस साक्षात्कार के बाद जब हम बिल्कुल वाइंड अप कर रहे थे साक्षात्कार का, तो उनके ये शब्द थे कि निवेदिता, अब निवेदिता भूपेंद्र जी भी थे उस टाइम साक्षात्कार लेने के लिए, कहती निवेदिता मुझे लग रहा है अब थोड़ा सा और जीना चाहेंगे आज इस साक्षात्कार। तो ये जो थोड़े थोड़े जो कमेंट्स होते हैं ना, ये जिंदगी में किसी भी संस्था के लिए ना सबसे बड़ा अवार्ड होता है अगर आपके सदस्य इस तरह की बात आपकी संस्था के लिए बोलते हैं। हमारी जो कुछ और उपलब्धियां हैं, और ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक दो स्लाइड्स और हैं। कार्यशालाएं हम लोगों ने काफी कराई, तो कार्यशालाएं हम लोगों ने गजल कार्यशाला कराई, हमको अंबर थर्मदा जी बैठे हुए हैं, इन्होंने गजल कार्यशाला के लिए हमारा सहयोग किया और हमारे सदस्यों ने सीखा। हमारे बीच में उपस्थित है विनय विक्रम सिंह जी, इन्होंने दोहा कार्यशाला हमारे बीच में कराई और बहुत आभारी है युगानुभूत इन लोगों के लिए। असल में कार्यशाला कराने का भी एक हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि बहुत लोग, बहुत महिलाएं या पुरुष जो कि नवोदित है वो सीखना चाहते हैं, लेकिन आजकल साहित्य समाज में क्या हो रहा है कि सब गुरु बनने के लिए बहुत तैयार हैं और गुरु बनकर के फिर वो क्या करते हैं कि पूरा डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं उसको, और वो कहते हैं कि भाई हमारे, हम जो फेसबुक पे डालते हैं तुम्हारा ये धर्म है कि तुम उनको आकर के सब लाइक करो, तुम ये करो, उनका जीना भूगत कर देते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ये सब करने की जरूरत है, तुमको सीख
नहीं कराते, आपका कोई गुरु, इनफैक्ट जो गुरु आपको सिखा रहे वो भी आपके ऊपर कोई दावा नहीं करने बैठ जाएंगे, वो भी पूरा गुरु धर्म से सिखाएंगे लेकिन कोई दावा नहीं करेगा आपके जीवन के ऊपर। तो इससे और तीसरा हम लोग लेखन का फिर लेखन विकास कार्यशाला हमने कराई, जिसमें की कविताएं हम लोगों ने बेसिक कैसे क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें मतलब अलंकार और सारी चीजें जो कविता के रस कितने प्रकार के रस होते हैं वो सब इंट्रोड्यूस किए। भूपेंद्र जी उसमें कविता का मैंने सिखाया था, भूपेंद्र जी ने उसमें यात्रा वृतांत कैसे करते हैं, ट्रैवलॉग कैसे लिखा जाता है, कैसे करके कहानी लिखी जाती है, और एक चीज बाल बच्चों का हम लोग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी कराई जो कि निवेदिता श्रीवास्तव जी हमारे बीच में उपस्थित थे, और ये हमारी जो फेसबुक ग्रुप की सारी एक्टिविटीज ये कराती है, इनको शेयर जाता है। तो ये इन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिविटी कराई, 14 नवंबर से हम लोगों ने शुरू किया था, और उन्होंने सबसे सबको काम दिया कि हम ये आपको शब्द दे रहे हैं और बच्चों के लिए कविता लिखिए, बच्चों मतलब तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा अच्छा मेरे बस, इस तरह की ज्ञान नहीं चाहिए, और आप विश्वास करेंगे मतलब सब सदस्यों ने इस तरह की कविता लिखी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी वाली छोटे बच्चों वाली, और हमने लोगों ने उसका पूरा संग्रह निकाल रहे हैं, आप लोगों के सामने बहुत जल्दी मार्च में आ जाएगा, और उसके एडिटर भी निवेदिता श्रीवास्तव जी। ऐसे ही हमने जैसे कि भूपेंद्र जी ने एक्सप्लेन किया समाज के जागृत युवाओं के कार्यों का प्रकाश डाला, युवानुरुच पर बहुत अच्छा, फिर से मैं निवेदिता का नाम लूंगी कि उन्होंने शब्द श्रृंखलाएं बहुत अच्छी दी, और बहुत सारे जो हमारे जो काफी सिंह बहुत बड़े बड़े हैं, रश्मि रथी, कामायणी, साकेत, मेघदूत, आंसू, इनसे 100-100 शब्द हम लोगों ने दिए, रोज का एक शब्द देते थे और लोग उस पर कविताएं लिखते थे, और आप विश्वास करेंगे कि लोगों की इतनी कविताएं हो गई कि हमारे युवानुकुंज के सदस्यों ने अपनी एक एक किताब निकाल ली उस पर। और ये इसलिए शुरू किया था क्योंकि रश्मि रथी लोग आया रश्मि रथी लोग पढ़ते थे, बोलते हैं कविताएं लेकिन समझते नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं, तो इससे बहुत अच्छा लगा कि हमारे सदस्यों ने केकी क्या होता है, मतलब छोटे छोटे शब्द ऐसे सीखिए, और बहुत अच्छा लगा इसको करके कि हमारे को खुद को भी बहुत संतुष्टि हुई इस काम को करके। हिंदी, उर्दू, संस्कृत के भी हमने शब्द दिए, अंग्रेजी के शब्द दिए, इसके अलावा गतिविधियां जो बाल साहित्य, चित्राभिव्यक्ति, विषय विशेष सब कराती रहती है निवेदिता जी, साझा काव्य संग्रह हमने आपको बता दिया, तो इस तरीके से हमारी नई नई पहल होती रहती है जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब थोड़ी सी युवाओं को इस प्रकाशन की बात कर लेते हैं, हमारी ये किताबें हम लोगों ने छापी अभी तक, एक साल के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट जॉनर में, डिफरेंट शैलियों में, विविध शैलियों में हमने ये किताबें छापी है, जिसमें की उपन्यास भी है, कहानियां भी है, कविताएं भी है, साझा संग्रह भी है, तो ये किताबें हैं, इंग्लिश की किताबें भी हम लोगों ने छापी। भूपेंद्र जी हमारे सामने जो खड़े हैं, हमारे पहले लेखक हैं युगानुकुंज के, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इंसान जब कोई काम करना शुरू करता है तो सबसे पहला काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो सबसे पहला ऑथर है ना वो आपके ऊपर एक विश्वास कर रहा है, उसको नहीं पता कि आप कैसे प्रकाशक, इसलिए हम बहुत आभारी हैं भूपेंद्र जी के। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, मार्केटिंग बहुत बड़ा पार्ट होता है प्रकाशन का, और हम इसकी बात जरूर करेंगे क्योंकि हम लोगों ने अभी तक एक ही साल में पुस्तक मेलाओं में किताबें रखवा दी अपने ऑथर्स की, जश्न रेखा में हमारी किताबें लगी थी, कोलकाता पुस्तक मेला में हमारी किताबें लगी थी, न्यू टाउन पुस्तक मेला में, कोलकाता पुस्तक मेला में अभी भी लगी हुई है, न्यू टाउन पुस्तक मेला में, और अभी वर्ल्ड बुक फेयर लगने वाला है उसमें भी हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी किताबें लग जाए। लाइब्रेरीज में हमारी किताबें, आप लोगों को बताते हुए बहुत गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारी 4 किताबों का सिलेक्शन नेशनल लाइब्रेरीज में हो गया है, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली सेंट्रल लाइब्रेरी, मुंबई पुण्यमरा पब्लिक लाइब्रेरी, चेन्नई, और इसके अलावा धून क्लब लाइब्रेरी में भी हमारी किताबें चली गई। इसके अलावा हम डिफरेंट स्टॉल्स में भी लगाते हैं, मतलब मार्केटिंग होते ना, मार्केटिंग आप बहुत बड़े स्तर से करते, बहुत छोटे स्तर पे भी करते, यानी कि मोहल्ले का भी, कोई दिवाली मेला भी होता है उसमें भी युवानुकुंज का छोटा सा स्टॉल जरूर लगता है। राष्ट्रीय स्तर के डिस्ट्रीब्यूटर से, जो कि मैं नाम नहीं ले सकती, कंपटीशन है, युवानुकुंज बुक क्लब हम लोगों ने बहुत बढ़िया, हम लोगों ने
शुरू किया है। इसमें यह है कि युगानुज बुक क्लब के मेंबर बनने के लिए किसी को कम से कम 2 किताबें युगानुज की खरीदनी बहुत जरूरी होती है, तो वो हमारे बुक क्लब का मेंबर बन जाते हैं। उनको किताबों के ऊपर समीक्षा के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें उनको भाग लेने का मौका मिलता है। तो ये है युगानुज बुक क्लब। तो ये पुस्तकों की बिक्री और प्रमोशन की हर संभावना को छूने का प्रयास कर रहा है युगानुज। इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है युगानुज पब्लिकेशन में, वो आजकल देखिए जब से कुछ महीनों पहले से अनुवाद का बहुत प्राथमिकता बढ़ी है अनुवाद का, क्योंकि अनुवाद जो है अगर कोई भी भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाए तो उसका उसकी जो रीच वो बहुत वाइड हो जाती है, उसके श्रोता बढ़ जाते हैं ना सिर्फ भारत में भारत से बाहर। और वो हमने की मिसालें देखी हैं अभी, जिनको अगर काम सही हो और स्किल सेट सही हो तो उनको उच्च पुरस्कार भी मिलते हैं। तो ट्रांसलेशन का काम भी इनके प्रकाशन के नीचे होता आया है और एक ट्रांसलेटेड किताब जो है वो हमारी वरिष्ठ लेखक लेखिका है सरोज घोषित जी, उन्होंने लिखी थी पूर्ण मेधम, तो उसका ट्रांसलेशन जो है वो इनके प्रकाशन के अंडर हुआ और इनके पास वो सुविधा भी मौजूद है जो आज लग